good morning students hope you all are doing well in today's video we will do revision from chapter 11 the enchanted boat so now let's begin our video Don Quixote was a gentleman and that gentleman was from La Mancha in Spain that means a gentleman named Don Quixote and he is from स्पेन एंड वो स्पेन का रहने वाला रहता है स्पेन में एक प्लेस का नाम रहता है ला मांचा सो वो उस प्लेस का रहने वाला रहता है सो ही हैज़ रेड मैनी स्टोरीज उन्होंने बहुत स्टोरीज पढ़ी थी अबाउट नाइट्स मीन्स बहुत शूर वीरों के बारे में उन्होंने स्टोरीज़ पढ़ी थी एंड ही हैज़ ऑल्सो रेड स्टोरीज अबाउट यंग अनमेरिड वुमेन एंड स्टोरीज अबाउट एडवेंचर्स एंड उन्होंने बहुत एडवेंचर्स के बारे में भी पढ़ा था पागल हो चुके थे वो सारी स्टोरीज बुक पढ़ते पढ़ते एंड मैन डॉन की होटो वॉज अडिल यू कैन सी अ पिक्चर ऑन स्क्रीन दे आर कॉल्ड नाइट्स नाइट्स का मतलब होता है शूरवीर सो so, पहले के टाइम में जो शूरवीर होते थे जो नाइट्स होते थे वो हमेशा अपने हॉर्स पे बैठते रहते थे एंड मीन्स हॉर्स पे बैठ के वो कहीं जाते थे एंड वो हमेशा कुछ गारमेंट्स पहनते थे जो कि मेटल्स के पहने बने रहते थे सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर कि यहाँ पे भी एक पर्सन है जो हॉर्स पे बैठा हुआ है एंड उसने जो गारमेंट्स पहने जो कपड़े पहने हैं वो मेटल्स के बने हुए हैं हि हेड टर्न्स बाय द न्यूमिर स्टोरीज ऑफ शेवाक एडवेंचर्स ही हैड रेड ही डिसाइड्स टू बी अ नाइट हिमसेल्फ यहाँ पे डॉन कीहोटो ने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा मैं भी एक शूरवीर बनूंगा बिकॉज उन्होंने बहुत ढेर सारी स्टोरीज बुक पढ़ ली थी सो so उनसे उनको एक इंस्पिरेशन मिल गया था कि मुझे भी अब नाइट ही बनना है एंड देन ही डिसाइडेड कि अब मैं नाइट बनूंगा एंड मैं दूसरों की हेल्प करूंगा जाके एंड ही डिसाइडेड कि मैं अपनी जर्नी में जब मैं एडवेंचर्स करने जाऊँगा देन मैं अपने हॉर्स को ले कर जाऊँगा जिसका नाम रहता है रोजी लैंटे एंड वी हैव सीन ऑल दैट डॉन कीहोटो हैज़ टेकिन असिस्टेंट नेम्ड एज सेंचो पांजा सो यहाँ पर डॉन कीहोटो ने डिसाइड किया कि मैं अपना एक असिस्टेंट रखूंगा अपने साथ जिस असिस्िस्िस्िस्िस्टेंट का नाम रहता है सेंचो पांजा सेंट्रो पांजा एक सिंपल विलेजर रहता है जिसके पास एक डोंकी रहता है डोंकी का नाम रहता है डेपल एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट देर वॉज अ लेडी नेम्ड एज डलसनिया इस चैप्टर में एक लेडी का भी नाम है जिसका नाम रहता है डलसिनिया सो so, जो डलसिनिया एक लेडी रहती है वो एक इमेजिनरी वुमेन है मीन्स रियल में ऐसी कोई भी लेडी नहीं रहती ये इमेजिनेशन है किसका डॉन की होटो का बिकॉज़ वो उन्होंने इतनी स्टोरीज़ बुक पढ़ी थी so सो स्टोरीज़ बुक से उन्होंने एक हेल्पर अपने साथ रख लिया बिकॉज वो हमेशा देखे थे कि जो नाइट्स रहते थे शुरवीर रहते थे वो अपने साथ एक अपना हेल्पर रखते थे एक हॉर्स रखते थे एंड हर स्टोरीज में एक लेडी भी रहती थी सो so उन्होंने एक इमेजिनरी वुमेन ले लिया जिनका नाम रहता है डलसिनिया नाउ एंड एडवेंचर एंड डॉन कीहोटो दे कैन नेवर बी अ पार्ट दैट मीन्स यहाँ पे जो डॉन कीहोटो रहते हैं एंड जो एडवेंचर रहता है वो हमेशा उनके साथ रहता है दैट मीन्स डॉन कीहोटो एंड उनका करेज उनके डेयरिंग सब उनके साथ ही रहता है एंड डॉन कीहोटो हमेशा एक इमेजनरी वर्ल्ड में रहते थे हमेशा वो कुछ ना कुछ इमेजिन ही करते रहते थे सो so, उन्होंने एक मिल देखी विंड मिल देखी एंड उनको ये लगा ये बहुत बड़ा सा कोई जाइंट है सो so, यहाँ पे भी वो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं देन वी हैव सीन दैट वो शीप्स को देखते हैं ढेर दे सारे शीप को देखते हैं एंड ही थॉट दैट दे आर द आर्मीज वो सोचते हैं शीप्स को देख के कि ये आर्मीज हैं किंग्स की सो so, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो डॉन की हैं वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं वो बहुत ढेर सारी इमेजिनेशन कर रहे हैं एंड ये सारी इमेजिनेशन जो स्टोरीज बुक उन्होंने पढ़ी है उन्हीं सारी स्टोरीज बुक का वो कुछ ना कुछ पार्ट ले रहे हैं उनका रियल का कोई थिंकिंग नहीं है वो हमेशा एक इमेजिनेशन ही कर रहे हैं यू कैन सी अ पिक्चर हियर कि यहाँ पे एक हॉर्स है जिसका नाम रहता है रोजी नैंटे उसके ऊपर डॉन क्यूहोटो बैठे हैं एंड उनके साथ उनका असिस्टेंट रहता है जिसका नाम रहता है सेंचो पांजा सेंचो पांजा अपने डोंकी के ऊपर बैठा है जिस डोंकी का नाम रहता है डेपिल नाउ दिस द द राइटर ऑफ स्टोरी इज सर नाउ मूविंग टू आवर चैप्टर ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन पेज नंबर एन ऑन द टॉप इट एज रिटर्न एट लेंथ ऑन सनी डे डॉन क्यूहोटो And his squire Sancho Panza came to the banks of the river Imbro. As the knight sat on Rosante's back and gazed at the flowing water and at the grass and trees which bordered the banks with living green, he felt very happy. His squire, however, was in no pleasant humor for the last few days. हैथ पीन डेज ऑफ येट मीन्स इन दीस लाइन यू कैन से दैट एक सनी डे रहते हैं देन जो डॉन कीहोटो रहते हैं एंड मीन्स हेयर असिस्टेंट ओके द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मीन्स असिस्टेंट यू कैन से हेल्पर सो एक सनी डे पे डॉन कीहोटो एंड उनका जो हेल्पर रहता है सेंचो पांजा रिवर के पास जाते हैं एंड उस रिवर का नाम रहता है इम्ब्रो एंड जो डॉन कीहोटो रहते हैं वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठे रहते हैं जिस हॉर्स का नाम रहता है रोजी नैंटे एंड ही गेजेस एंड वो देखते रहते हैं जो फ्लोइंग वाटर रहता है जो रिवर का पानी रहता है उसे देखते रहते हैं उसके आसपास जो ग्रीनरी रहता है ग्रीनरी ग्रास ट्रीज ये सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट ग्रीनरी मेड डॉन कीहोटो वेरी हैप्पी मीन्स ये सारी चीज़ें देख के उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है द जो सीनरी रहती है जो बॉर्डर रहता है बैंक का एंड जो ग्रीनरी रहती है सारी जगह हर जगह ग्रीन ही एनवामेंट रहता है सो so ये सारी चीज़ें देख के डॉन की होटो को बहुत अच्छा लगता है ही फील्स गुड एंड स्क्वायर हाउ एवर वॉज नो पीजेंड एंड यहाँ पे जो उनका स्क्वायर रहता है सेंच्रो पाजा पांजा वो बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था बिकॉज वो बहुत दिन से बहुत टायर्ड फील कर रहा था वियरली मीन्स हियर टायर्ड सो so, वो बहुत दिन से टायर्ड फील कर रहा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं था बट यहाँ पे जो डॉन की होटो हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे वहाँ का जो सीनरी था उसे देख के वहाँ का जो ग्रीन ग्रीन इन्वायमेंट था सारी चीज़ें बहुत ग्रीन लग रही थी रिवर को देख के ये सारी चीज़ें देख के डॉन के होटो को बहुत अच्छा फील हो रहा था बट जो उनका असिस्टेंट था सैंको पांजा उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था बिकॉज वो बहुत दिन से टायर्ड थे नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ प्रेजेंटली डॉन कीहोटो ऑब्जर्व अ लिटिल बोट विच फर्स्ट लाइंग इन द वॉटर नियर बाई मोड बाई अ रोप टू द ट्रंक ऑफ अ स्मॉल ट्री इट हैज नाइदर ओर्स नॉट सेल एंड फॉर दैट रीजन इट सीम ऑल द मोर इन्वाइटिंग डेट मीन्स यहाँ पे देन डॉन की होटो ऑब्जर्व करते हैं नोटिस करते हैं एक लिटल बोट एक छोटी सी बोट एंड बहुत लाइट सी बोट नोटिस करते हैं जो पानी के किनारे रहती है एंड वो एक रोप से बनी रहती है हीयर द मीनिंग ऑफ मोड मीन्स फास्ट एंड अ शिप ऑफ बोट टू द लैंड और टू द बॉटम ऑफ द सी यूजिंग रोप्स दैट मीन्स यहाँ पे एक उनको एक शिप दिखाई दे, देती एक बोर्ड दिखाई देती है एक छोटी सी लाइट सी बोर्ड दिखाई देती है एंड जो उसका रोप रहता है वो एक स्मॉल ट्री से बंधा रहता है दैट मीन्स यहाँ पे एक बोट है रिवर में जिसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा है एंड वो एक रोप से बंधी है एक रस्सी से बंधी है एंड जो रस्सी है वो एक पेड़ है वहाँ पे एक ट्री है उससे बंधी हुई है एंड ना ही वो बोट चल रही है ना ही उस पे कोई बैठा है एंड ना ही उसका ओट्स है ओट्स मीन्स चप्पू जो चप्पू होता है जैसे नाव चलती है दैट इज कॉल्ड ओट्स सो सारी चीज़ें वहीं रखी गई हैं यहाँ पे डॉन की होटो नोटिस करते हैं कि एक लिटिल बोट है जो कि पानी के किनारे हैं एंड वो एक रस्सी से बंधी है जो कि एक ट्री से बंधी है एंड

एंड द नेम ऑफ अर्स इज रोजी नंटे सो यहाँ पे ऑल राइट सेंचो ही सेड यहाँ पे ये यह कौन बोल रहा है हु सेट दिस डॉन की होटो सेट दिस ऑल राइट सेंचो ही सेड यहाँ पे डॉन की होटो बोल रहे हैं सेंचो से लेटेस्ट टाई हम लोग अपनी जो एनिमल्स हैं उनको टाई करते हैं ब्रांचेस मीन्स ट्री के जो ब्रांचेस हैं उनसे विलो मीन्स हेअर ट्री जो ट्री की ब्रांचेस हैं उनको यहाँ टाई करते हैं बिकॉज उनको एक बोट दिखती है रिवर में देन वो उसे उन, उनको इनवाइट करती है बिकॉज उस पर कोई नहीं बैठा रहता है देन डॉन की होटों को लगता है कि हम इस पर बैठ के अपनी जर्नी कंटिन्यू करें बिकॉज वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे इमेजिन ही करते रहते थे सो so यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बोट से जर्नी करेंगे जाएंगे बैठ के सो so अपनी जर्नी में वो अपने एनिमल्स को लेके नहीं जा सकते थे देन उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट से सेंचो से कि इसे आप आ, जो हमारे एनिमल्स हैं इनको ब्रांचेस जो ट्री की जो ब्रांच है उससे टाई कर दें मीन्स उनको उस ट्री से बांध दें देन सी द नेक्स्ट लाइन सेंचो ओबेड आस्किंग वाई टू वी एलाइट हियर मास्टर यहाँ पे सेंचो उनकी बात मानता है एंड पूछता है हम अपने एनिमल्स को यहाँ पे क्यों बांध दें You are to know, answered Don Quixote, that this boat lies here for us. It invites me to embark in it and rush to the rescue of some knight or the other person of high degree who is in distress. So, here the meaning of embark, embark means to get on a ship, and the meaning of distress, which means extreme. पेन सो so, यहाँ पे जब सेंचो पांजा पूछते हैं अपने मास्टर से उनका मास्टर कौन रहता है सेंचो पांजा रहता है सो so, जब वो अपने मास्टर से पूछते हैं कि हम इनको यहाँ पे क्यों बांध दें मीन्स जो उनके एनिमल्स हैं उनको क्यों रस्सी से ट्री के ब्रांचेस में क्यों बांध दें सो so, यहाँ पे डॉन की होटो रिप्लाई करते हैं अपने असिस्टेंट से कि यहाँ पर हमें एक बोट दिख रही है जो कि रिवर के किनारे हैं एंड ये बोट हमें इन्वाइट कर रही है हमें बुला रही है कि हम इस बोट में बैठें एंड हम रिवर में जाएं एंड जो बाकी जो नाइट्स हैं जो बाकी जो शूरवीर हैं उनकी मदद करें जो भी शूरवीर जो नाइट्स हैं अगर वो किसी ट्रबल में है किसी परेशानी में है कोई प्रॉब्लम में है देन हम उनकी जाके हेल्प करें सो so, यहाँ पे डॉन की होटो ने डिसाइड किया कि हम शिप में बोट में जाते हैं बैठते हैं एंड देन हम जाएंगे बैठ के जो बाकी जो नाइट्स हैं जो और शुरू हैं उनकी हेल्प करेंगे उनकी मदद करेंगे अगर वो प्रॉब्लम में है तो सो ऑल दीज ये सारे जो थाट्स हैं वो किसके हैं ऑल दीज था आर ऑफ होम सो दीज ऑल आर ऑफ आर ऑफ डॉन की होटो मीनस ये जो सारे थॉट हैं वो डॉन होटो के हैं ठीक है तो कि यहाँ पे जो उनका असिस्टेंट है सेंचो पांजा वो जो उनका मास्टर बोल रहा है वही वो कर रहा है बट अगर देखा जाए तो जो सेंचो पांजा था वो बहुत ज़्यादा समझदार था अपने मास्टर से ज़्यादा समझदार था बट यहाँ पे जो डॉन की होटो है वो हमेशा एक इमेजिन वर्ल्ड में ही जी रहे हैं बिकॉज उनको किसी ने नहीं कहा कि जो नाइट्स हैं वो परेशानी में है कोई प्रॉब्लम ये उनकी इमेजिनेशन है कि उन्होंने बुक्स में पढ़ा है बहुत स्टोरीज बुक्स में पढ़ा है कि हमेशा एक जर्नी में जो नाइट्स वोट्स में जाते हैं दूसरे शुरवीरों की मदद करते हैं सो so ये सारी चीज़ें उनकी इमेजिनेशंस हैं नाउ सी द नेक्स्ट लाइन आई वंडर इफ दैट इज सो सेड सेंचो देन यहाँ पे सेंचो अपने मास्टर से कहता है ओके okay, हो सकता है जो आप बोल रहे हो सही हो आई वंडर If that is so. Now, see the next line. Certainly answered his master. So, who is the master here? Don Quixote. In all the books that I have read, enchanters are forever doing such things. If a knight happens to be in danger, there is someone, sometimes only one other knight, that can rescue him. so a boat is provided for the other knight, and in the twinkling of an eye he is whisked away to the scene of trouble, even though it be two or three thousand leagues. That means in these lines, जो उनका मास्टर है डॉन कीहोटो वो बोल रहा है कि मैंने बहुत सी स्टोरीज बुक पढ़ी हैं एंड मैंने देखा है कि जो इंच रहते हैं इंचांटर्स हीयर मीन्स द पर्सन हु डू मैजिक जो पर्सन मैजिक करता है सो यहाँ पर वो बता रहे हैं अपना एक अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं मीन्स अपनी नॉलेज बता रहे हैं डॉन की होटो सेंचू पांजा से कि मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं एंड मैंने ऐसे देखा है कि जो पर्सन होते हैं जो मैजिक करते हैं वो लोग भी ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई नाइट डेंजर में है किसी परेशानी में है देन उनको हमेशा कोई और नाइट आता है बचाने के लिए सो so, ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी थी कि अगर कोई शुर परेशानी में है कोई प्रॉब्लम में है ट्रबल में है देन उनको बचाने के लिए भी कोई दूसरा शुरी आएगा सो सैंचो पांजा ने भी सोचा कि मैं इस बोट में जाता हूँ एंड जो भी ट्रबल में रहेगा जो अदर्स नाइट्स रहेंगे ट्रबल्स में रहेंगे मैं उनकी जाके हेल्प करूंगा सो so, ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी थी एंड उन्होंने बुक में ये भी पढ़ा था कि जब वो दूसरों की हेल्प करने के लिए जाते हैं सो so, हमेशा जो नाइट्स हैं वो हमेशा बोट से ही ट्रैवल करते हैं सो so, जो दैट बोट इज़ अ मैजिकल बोट्स सो वो सारी जो बोट्स होती हैं वो हमेशा एक मैजिकल बोट्स होती हैं सो द नाइट्स सो द डॉन की होटो should quickly move to other knights for their help whether he is 2 or 3000 leagues leagues means an ancient unit for measuring distance jaise ki hum distance measure karne ke liye use karte hain किलोमीटर ये सारे terms use करते हैं so, उस time पहले के time में leagues होता था so, यहाँ पे जो don की होटो हैं वो बोल रहे हैं कि हमें हेल्प करने के लिए जाना है अदर नाइट्स की हेल्प करने के लिए जाना है जो कि ट्रबल में है चाहे वो कितनी भी दूर है चाहे वो टू और थ्री थाउजेंड लीगस भी दूर रहे बट हमें बहुत क्विकली यहाँ से मूव करना है एंड उनकी हेल्प करनी है दैट इज़ वंडरफुल सैन सेंचो सो यहाँ पे सेंचो जो असिस्टेंट रहते हैं अपने मास्टर से बोलते हैं दैट इज़ वंडरफुल ये तो बहुत अच्छी बात है most certainly answered Don Quixote and it is for just such a purpose that this enchanted bark lies here. Here the meaning of bark means boat. जो boat है उसे आप यहाँ पे bark बोल रहे हैं So यहाँ पे Don Quixote reply कर रहे हैं अपने assistant से इसीलिए ये जो boat है यहाँ पे रखी गई है मीन्स यहाँ पे एक रिवर में हमें एक बोट दिखाई दे रही है बिकॉज इसका पर्पस यही है इसका काम यही है कि हम इस पे बैठ के जाएँ ट्रेवल करें एंड देखिए कि कोई भी जो नाइट से अगर ट्रबल में है प्रॉब्लम में है प्रॉब्लम में है तो हम उनकी हेल्प करें सो so, जो बोट थी वहाँ पे उसका मेन पर्पस यही था कि हम इस पे बैठ के जाएँ एंड वो बोट उनको इन्वाइट करी थी बुला रही थी कि आप बैठो मेरे बोट पर एंड उस पर वो लोग ट्रैवल करें

वो अपने मास्टर से बोल रहे हैं कि यस मैं आपकी बात मानूंगा क्योंकि तो आप मेरे मास्टर हैं सो ऑब्वियस है so आप मेरे मालिक हैं तो मुझे आपकी ही बात माननी है बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये लग रही है कि ये जो बोट है वो इन बोट है मीनस एक मैजिकल बोट है देन आप गलत हो ये मैजिकल बोट नहीं है ये किसी फिशरमैन की बोट है किसी मछवारे की ही बोट यहाँ पर रखी गई है ये कोई मैजिकल बोट नहीं है नेक्स्ट लाइन दे आर यूजली फिशरमैन बोट्स सेड डॉन केहोटो देन यहाँ पे डॉन केहोटो रिप्लाई करें कि ऐसा होता है कि हमेशा जो बोट्स रहती है वो फिशरमैन की बोट्स होती हैं ही लिप्ट इन टू द लिटिल वेसल ही मीनिंग ऑफ लिप्ट मीन्स जम्प्ट इन टू द लिटिल वेसल वेसल मीन्स बोट सेंचो फॉलोड एंड अन टाइड द रोप द बोट ड्रिफ्टेड स्लोली आउट इंटू द स्ट्रीम दैट मीन्स यहाँ पे ही जम्प मीन्स यहाँ पर डॉन कीहोटो जम्प करते हैं मीन्स कूद के बैठ जाते हैं बोट में एंड जो सेंटर रहता है उनका जो असिस्टेंट रहता है वो उस रस्सी को खोलता है जिस रस्सी से वो नाव बंधी रहती है ट्री से उस रस्सी को खोलता है एंड देन द बोट ड्रिफ्टेड ड्रिफ्टेड मीन्स मूवड एलोंग बाई वॉटर मीन्स जो बोट है वो वॉटर के साथ मूव कर रही है एंड देन जो सेंचो पांजा रहता है वो भी बोर्ड में बैठ जाता है ना सी द नेक्स्ट लाइन वेन सेंचो सॉ दैट दे वर आउट ऑफ रीच ऑफ द शोर एंड हैट नो मीन्स ऑफ पुशिंग बैट ही बिगेन टू क्वेक विथ फियर ही मीनिंग ऑफ क्वेक मीन्स शेक दैट मीन्स यहाँ पर जब सेंचो पांजा देखते हैं नोटिस करते हैं कि जो किनारे है किनारे से वो लोग बहुत दूर चले गए हैं मीन्स नाव में बैठ के बहुत आगे चले गए हैं वो अब किनारे नहीं है सो so, सैंट्रो पांजा को बहुत डर लगता है बहुत स्केर्ड हो जाता है एंड वो शेक करने लगता है डर के मारे बिकॉज उसे नहीं पता रहता है कि कौन सी जर्नी पे ये लोग जा रहे हैं एंड जो उसका जो मास्टर रहता है वो ऑलरेडी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही जी रहा है वो हर चीज़ें इमेजिन ही कर रहा है सो so, यहाँ पे सैंटो पांजा को डर लगता है वी शैल नेवर सी आवर नोबल स्ट्रीट्स अगेन हियर द सेंच पांजा इज सींगट कि हम अपने अब जो पैट्स हैं उनको नहीं दिख पाएंगे जो हमारे ऑनेस से पेट्स हैं पेट्स मीन्स हु व पैट्स देर वॉज अ डोंकी नेम एज डेपल एंड हॉर्स नेम एज रोजी नैन्टे सो यहाँ पे दो पेट्स रहते हैं जिनके नाम रहते हैं डेपल एंड रोजी नैटे सो यहाँ पे सेंचू पांजा बोल रहे हैं कि हम लोग तो बोट से जा रहे हैं बट अब हम अपने पेंट, पेंट से नहीं मिल पाएंगे ही क्राइड एंड देन ही स्टार्टेड क्राइम हु वॉज क्राइम हियर सेंचू पांजा वॉज क्राइम हियर हाउ द पुअर डोंकी ब्रेस एंड मोन्स बिकॉज वी आर लिविंग ही दैट मीन्स यहाँ पे जो पुअर जो कि पैट्स रहते हैं जो डोंकी रहते हैं एंड जो हॉर्स रहते हैं वो लाउड वॉयस में स्टार्ट हो जाते हैं चिल्लाना एंड कुछ स्लो वॉइस में मीन्स जब जब हम जो पैट्स होते हैं जब उनके मालिक जो होते हैं ओबियसली जब उनको छोड़ के जाते हैं दैन वो अजीब तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सैड हो के बोलना स्टार्ट कर देते हैं सो so, यहाँ पे भी जो उनके पेट्स थे वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुके थे क्योंकि वो देख रहे थे कि वो उनके जो मालिक हैं वो लोग तो नाव में बैठ के जा रहे हैं एंड वो लोग जस्ट रिवर के किनारे ही वहाँ पर जो ट्री थी ट्री के ब्रांचे से बंधे हुए थे सो दे वर फीलिंग बैड जो पेट्स थे उनको बहुत ख़राब लग रहा था एंड ये सारी चीज़ें देख के सेंचो पांसा को भी बहुत खराब फील हो रहा था वॉज फीलिंग वेरी बैड सो सी दैक्स लाइन सी हाउ रोजी नैटे टर्स एट हिस्स ब्रिडल ओ माई पुअर डियर फ्रेंड्स गुड बाय सो यहाँ पे यहाँ पे जो सेंचो पांजा है वो बता रहे हैं कि उनको देखिए मीन्स अपने हॉर्स को आप देखिए रोजी नैंटे को देखिए कि वो अपना पुल कर रहा है जो ब्रिडल मीन्स सेट ऑफ लेदर बैंड्स पुट अराउंड अ हॉर्स हैड टू कंट्रोल इट्स मूमेंट दैट मीन जो हॉर्स होते हैं हॉर्स के सिर पे एक लेदर टाइप का कुछ रखा जाता है जिससे जो उनकी मूमेंट्स हो वो कंट्रोल हो सो so, यहाँ पे जो रोजी नैटे हैं वो उसे पुल कर रहे में जो हॉर्स है वो उसे पुल कर रहा है अपना बिडल पुल कर रहा है जिससे वो निकल सके सो so, क्योंकि वो भी उनके साथ जो जर्नी में आना चाह रहा था सो so, इसलिए वो बहुत खराब फील कर रहा था सो नाउ हियर द सेंचो पांजा इज सेइंग ओ माय पुअर मीन्स ही इज फीलिंग सैड फॉर देयर पेट्स वो अपने पेट्स के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं एंड ही सेज गुड बाय एंड यहाँ पे सेंचो पांजा अपने पेट्स को गुड बाय बोल रहे हैं नाउ सी द नेक्स्ट लाइन देन ही बिगेन सच अ मॉर्निंग एंड हॉलिंग दैट डॉन क्यू होट लॉस्ट ऑल पेशेंस विथ हेम दैट मीन्स यहाँ पे जब उनके जो पेड्स होते हैं वो बहुत लाउड वॉइस निकालना स्टार्ट कर देते हैं देन यहाँ पे जो डॉन की होटो है ही लॉस्ट हिस्स पेशेंट उन्होंने अपना पेशेंस खोल दिया एंड ही सेट कोवर्ड ही क्राइड हु क्राइड हियर डॉन स्टार्टेड डॉन की होटो स्टार्टेड शाउटिंग ऑन सेंचू पांचाई यहाँ पे डॉन की बहुत गुस्से में सेंचो पांजा पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ किस लिए तुम इतना परेशान हो हु इज आफ्टर यू हु हर्ट्स यू किसने तुम्हें हर्ट कर दिया वाई वी हैव ऑलरेडी वाई वी हैव ऑलरेडी फ्लोटेड सम सेवन और एट हंड्रेड लीग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टेक एन वी शैल सून पास द इक्वेटर विथ डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स डैट मीन जब यहाँ पर डॉन की होटो नोटस करते हैं उनका असिस्टेंट बहुत सैड फील करता है एंड वो रोता है अपने पेट्स के लिए कि उनको वो छोड़ के जा रहा है सो so, यहाँ पर डॉन की होटो बहुत गु़स्से में शॉट करना स्टार्ट कर देते हैं सेंचो पांजा पे कि तुम क्यों रो रहे हो तुम क्यों इतना ज़्यादा हट हो रहे हो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं वी आर मीन्स वो लोग फ्लोट करते हुए मीन्स नाव में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू पास द इक्वेटर एंड वो इक्वेटर को भी पास करने वाले हैं दैट मीन्स वो अभी अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं एंड वेन वी कम टू दैट लाइन हाउ फार गॉन देन देन यहाँ पे सेंचो पांजा अपने मास्टर से पूछते हैं अगर हम उस लाइन को क्रॉस कर जाएं इक्वेटर को क्रॉस कर जाएं देन हम कितना आगे आ चुके हैं देन डॉन कीहोटो रिप्लायट अ माइटी वे आंसर द नाइट हु वाज द नाइट हियर डॉन कीहोटो बिकॉज डॉन कीहोटो अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वो एक नाइट है वो एक शूरवीर हैं सो so, यहाँ पे डॉन की होटो सेंटो पांजा से बोलते हैं कि हम लोग बहुत दूर आ चुके माइटी वे मीन लॉन्ग वे बहुत ज्यादा हम लोग दूर आ चुके हैं दे वर नाउ फ्लोटिंग डाउन द रिवर विथ सम स्पीड बिलो देम वर टू ग्रेट वोटर मिल्स नियर द मिडल ऑफ द स्ट्रीम दैट मीन्स अभी वो फ्लोट करते हुए रिवर में कुछ स्पीड से बहुत आगे निकल चुके हैं एंड उनके बिलो दो वाटर मिल्स हैं यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन यहाँ पे वो नाव में है डॉन की होटो एंड पीछे उनका असिस्टेंट है सैनचो पांजा एंड वहाँ पर वो देखते हैं कि दो टू वाटर मिल्स दिखती हैं वाटर मिल्स उनको दिखाई देती हैं एंड देन होटो डू यू सी दैट सिटी ऑफ का होटो इज दैट टू हिज असिस्टेंट यहाँ पे डॉन की होटो अपने असिस्टेंट से बोल रहे हैं क्या तुम्हे दिखाई दे रहा है सिटी ऑफ कासिल यहाँ पे कोई सिटी दिखाई दे रही है तुम्हे या फिर कोई किला कासिल मीन्स किला यू कैन से फोर्ट और सो so, यहाँ पे आ, सेंचो पांजा अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पे एक सिटी है या फिर कोई एक किला है दैट इज व सम नाइट लाइज इन पीजन और सम प्रिंसेस इज हेड अगेंस्ट हर फिल दैट मीन्स यहाँ पे सेंचो पांजा बोलते हैं सॉरी यहाँ पे डॉन की होटो तो, सैनचो पांजा से बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पे एक सिटी है या फिर कोई किला है एंड वहाँ पे एक नाइट कोई होगा जो कि प्रिजन में रखा हो मीन्स वहाँ पे कोई जेल में कोई बंद होगा या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रिंसेस होंगी जो उस किले में कैद होगी उनको फोर्सफुली वहाँ पे कैद करके रखा गया होगा सो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पर जो डॉन की हैं वो इमेजिन कर रहे हैं बट एक्चुअल में जो वो देखते हैं वो एक वाटर मिल रहती है वो ना ही कोई सिटी है ना ही कोई कासल है इट वॉज जस्ट अ वाटर मिल वो बस एक वाटर मिल देखते हैं बट उसे वो इमेजिन करते हैं कि वो वाटर मिल नहीं है वो कोई सिटी है या फिर कोई किला है जहाँ पे कोई नाइट है कोई शुरूी बंद है या फिर हो सकता है कि कोई प्रिंसेस वहाँ पे बंद है जो उनको फोर्सफुली कोई वहाँ पे रखा है सो ये सारी चीज़ें सैंसों पांजा यहाँ सॉरी यहाँ पे डॉन की तो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने इतनी ढेर सारी बुक्स पढ़ी थी बहुत सी रीडिंग की थी उन्होंने अबाउट नाइट्स जो नाइट्स होते हैं उनके एडवेंचर्स के बारे में उन्होंने पढ़ा था सो so यहाँ पे वो हर टाइम बस इमेजिनेशंस करते हैं सो नाउ सी द नेक्स्ट लाइन वॉट डू यू मीन आस्क सेंचो यहाँ पे सेंचो पूछ रहे हैं अपने मास्टर से कि आप कहना क्या चाहते हैं डू यू सी दैट दोस्त आर नो कासिल आर ओनली वाटर मिल्स फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न। दैट मीन्स यहाँ पे सैंचो पांजा अपने मास्टर से बोलते हैं कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या वो दोनों तो जस्ट एक वाटर मिल्स हैं वो कोई कासिल नहीं है कोई सिटी नहीं है वो जस्ट एक वाटर मिल्स हैं पीस सेंचो आई नो दे लुक लाइक वाटर मिल्स बट दैट इज अ ट्रिक टू द इंचाटर्स दैट मीन्स यहाँ पे सैंचो को डॉन की होटो बोल रहे हैं कि मुझे पता है वो दिखने में तो वॉटर मिल रग, लग रही है बट ये यह यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैजिकल पर्सन ने किया है मीन्स जो इंचांटर्स हैं जो मैजिक जो लोग मैजिक करते हैं वो उन्होंने मैजिक की है कि अगर कोई उसे देखेगा देन उसे लगेगा कि ये मिल है बट एक्चुअल में वो वाटर मिल नहीं रहता है वो कोई एक सिटी है या फिर कोई एक किला है सो so यहाँ पे ये चीज डॉन की होटो तो अपने असिस्टेंट से बोल रहे हैं सेंचो पांजा से बोल रहे हैं वाई दिस विली फॉलोस कैन फेलोज कैन चेंज एंड ओवर एवरीथिंग एवरी थिंग इट्स नेचुरल फॉर्म डैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं जो इंचैंटर्स होते हैं वो ईजिली मैजिक करके यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं सो so, हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो वॉटर मिल है बट वो वॉटर मिल नहीं रहता है वो एक सिटी है या फिर कोई किला है दैट मीन्स यहाँ पे जो डॉन की होटों हैं ये जस्ट एक इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कोई सिटी है या फिर कोई एक किला है जहाँ पे कोई नाइट्स फंसे हुए हैं मीन्स वहाँ पे जेल में बंद है या फिर हो सकता है कि कोई प्रिंसेस है जो कि जेल में बंद है सो so, ये सारी चीज़ें डॉन की होटो की इमेजिनेशन रहती है एंड जो उनका असिस्टेंट रहता है वो उनको बार बार बताता है मीन्स यहाँ पे असिस्टेंट ज़्यादा उनसे समझदार है, वो उनको बताता है बार बार कि नहीं ये जस्ट एक वाटर मिल है बट यहाँ पे डॉन की होटो उनकी बात पे एग्री नहीं करते हैं नाउ सी द नेक्स्ट लाइन द बोट वॉज नाउ मूविंग क्वाइट रैपिडली विद द करेंट दैट मीन्स नाउ हियर द बोट इस मूविंग जो स्ट्रीम है मीन्स जो जो लहरें हैं उसके साथ से जो बोट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है द पीपल इन द मिल्स सॉ इट एंड केम आउट विथ लॉन्ग पोल्स टू कीप इट क्लियर ऑफ द ग्रेट वॉटर व्हील्स देवर पाउडर विथ फ्लोर डस्ट एंड स्मिलस कॉमनली आर एंड देव फॉर लुकड व्वाइट देव फॉर लुक क्वाइट अन कैनी दैट मीन्स यहाँ पर जो बोट रहती है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है एंड यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि मिल्स में काम करते हैं वॉटर मिल्स में वहाँ पर वो काम करते हैं वो देखते हैं कि सामने से कोई एक बोट आ रही है एंड वो बहुत तेज़ी से आ रही है एंड इतनी तेज़ी से अगर वह आएगी दैन वो उसकी वो फंस जाएगी जो वाटर मिल्स हैं उनकी व्हील्स में फंस जाएंगे एंड जो उस पर जो बैठे हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मीन्स वो यहाँ पे वो घायल हो सकते हैं उनको चोट लग सकती है बिकॉज वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं एंड वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने एक वाटर मिल है एंड वाटर मिल की जो व्हील्स है उसमें वो फंस सकते हैं सो so, यहाँ पे कुछ लोग उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं उनके हाथ में एक लॉन्ग पोल्स रहते हैं जिससे वो उनको बचा सके उस नाव को रोक सकें एंड जो उस पर बैठे हैं डॉन की होटो एंड सैंजो पांसा को सेव कर सके सो so, वो जो लोग थे वो बहुत अजीब सा लग रहे थे बिकॉज उनके चेहरे पे पूरा आटा लगा हुआ था बिकॉज फ्लो लगा था सो बिकॉज वर वर्किंग इन मिल वो वर्क करते थे मिल्स में सो so ऑब्वियसली जो उनके कपड़े थे वो पूरे आटे लगे हुए थे मीन्स पूरे फ्लोर लगे हुए थे इसलिए वो बहुत अजीब तरीके से दिख रहे थे हेलो देयर दे क्राइड हु दिस हेलो देयर दे क्राई पीपल जो पीपल थे मिल में जो काम कर रहे थे मिल्स में वो बोल रहे हैं यहाँ पे हेलो देयर दे देअ आर यू मैड इन दैट बोट क्या आप लोग पागल हो जो इस बोट में हो पुश ऑफ और यू विल बी कट पीसेस बाय द मिल व्हील्स दैट मीन्स अपने नाव को पीछे लेके जाओ अदरवाइज अगर आप आगे जाते हो देन आप छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाओगे बिकॉज सामने वॉटर की व्हील है डिडेंट आई टेल यू सेंच दैट दिस इज द प्लेस वेयर आई मस्ट शो माई स्टेंथ सेट डॉन की होटो सी हाउ डोज हॉप गोबलि came come out against us but i will show them what sort of person i am that means yahan pe don quixote bol rahe hain sancho panza से. didn't i tell you ki maine tumhe bataya tha na ki ऐसा एक place आएगा ऐसा एक time आएगा जब मुझे अपना strength, अपनी power और जो मेरी हिम्मत है वो मुझे दिखाने का मौका मिलेगा सो so, यहाँ पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे भी डॉन की हो तो जस्ट अपनी इमेजिनेशन कर रहे हैं अपनी हिम्मत मीन्स वो बस एक अपनी यू कैन से मीन्स रियल में वो कुछ नहीं कर सकते बट अननेसेसरी वो यहाँ पे अपना साहस अपना करेज यू कैन से और यू कैन से अपनी डेयरिंग दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते वो खुद भी बहुत डरपोक टाइप के रहते हैं सो so, बट वो उन्होंने इतनी बुक पढ़ी थी एडवेंचर्स के बारे में एंड इतने शूर वीरों के बारे में पढ़ी थी कि उनको भी फील होता है कि नहीं नहीं मैं अपना यहाँ पे साहस अपना करेज बहुत अच्छे से दिखा सकता हूँ मैं ईजली इन लोग से लड़ सकता हूँ सो so, ये भी यहाँ पे इनका जस्ट एक इमेजिनेशन हो रहा है बट एक्चुअल में वो उन लोग से नहीं लड़ सकते हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के से इतनी हिम्मत उनके पास नहीं थी सो so, Then see the next line. Then he stood up in the boat and began to call the millers all sort of bad names. That means here who Then he who is he here? Don Quixote. Don Quixote boat name. स्टैंड हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं एंड देन वो बहुत खराब खराब चीज़ें उनको बोलना स्टार्ट कर देते हैं जो मिलर्स रहते हैं मीन्स जो मिल्स में जो काम करने वाले पर्सनस रहते हैं पीपल्स रहते हैं उनको वो बहुत ख़राब चीज़ें बोलना स्टार्ट करते हैं बैड नेम्स स्टार्ट हो जाते हैं बोलना यू पार्ट थ्री को वर्ड्स ही क्राइड रिलीज एट वर्स द कैप्टिव होम यू आर डिटेनिंग इन योर का फॉर आई एम डॉन कीहोटो दी लामांचा द नाइट ऑफ द लायंस होम हैवन हैज सेंट टू सेट यूर प्रजनेस फ्री यहाँ पे जो डॉन कीहोटो हैं वह बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो एंड तुम लोग मुझे नहीं जाने दे रहे हो मैं डॉन कीहोटो हूँ मैं लामाचा का रहने वाला हूँ एंड मैं लायंस वम्स में बहुत ज़्यादा शूरवीर हूँ मैं किसी से डरता नहीं हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपने जो किले में जिन लोगों को रखा है कैद करके रखा है मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ सो so, ये सारी क्या चीज़ें हो रही ये सारी इनकी इमेजिनेशन हो रही है डॉन की होटो की ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन है बिकॉज़ वहाँ पर ना ही कोई किला था एंड ना ही वहाँ पर कोई किले में कोई कैद था ना ही वहाँ पर कोई प्रिजनर में कोई था मीन्स ना ही वहाँ पर कोई कैद था ना ही वहाँ पे कोई और शूरवीर था ये सारी चीज़ें डॉन की होटो की इमेजिनेशन है जो उन्होंने सारी बुक्स पढ़ी थी ये सारी चीज़ें वो वहीं से लेके आ रहे हैं सारी चीज़ें वहीं से इमेजिन कर रहे हैं ही ड्रू हि स्कॉट एंड बिगेन टू ट्रस्ट द एयर विथ इट एज दो फ्लाइट

आप स्कॉट के साथ मीन्स अपने जो उनके वेपन्स होते हैं उनके साथ बोट में खड़े हो जाते हैं एंड देन वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं इन विजल मीन्स वहाँ पर कोई भी नहीं है उनके आसपास बट वो ऐसे ही अपनी जो तलवार है उसे चलाना स्टार्ट कर देते हैं बट वहाँ के जो लोग होते हैं जो मिल्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने पोल के साथ रेडी रहते हैं कि वो उस बोट को स्टॉप कर सके बिकॉज अगर बोट स्टॉप नहीं होगी देन वो आगे चल के वाटर मिल में फंस जाएगी एंड देन यहाँ पे उनके छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं वो कट सकते हैं उस व्हील्स में जाके फंस जाएंगे तो सो so यहाँ पे जो पर्सनस हैं जो लोग हैं वो डॉन की होटो एंड सैंटो पांचा की हेल्प करने के लिए आए हैं बट यहाँ पे जो डॉन की होटो हैं वो बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं उनके साथ एंड वो अपनी फेक ब्रेवरी बस दिखा रहे हैं एक खुद यहाँ पे होता है ना एक अपना आ, फेक मीन्स एक जो असली नहीं है जो साहस उनका असली नहीं है जो बस एक बनावटी साहस जो लोगों को वो दिखा रहे हैं बिकॉज़ ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी थी रीड किया था उन्होंने बहुत ही सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी थी जो कि बहुत शूरवीरों के बारे में थी सो so, यहाँ पे वो सारे इंसिडेंट्स वो वहीं से यूज़ करें कि ऐसा जब भी कुछ होता है जो शूरवीर होते हैं वो किसी प्रॉब्लम्स में फ़ेस हो मीन्स किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं देन वो कैसे अपनी ब्रेवरी दिखाते कैसा अपना साहस दिखाते सो so, यहाँ पे डॉन की होटो भी वो सारी साहस वो सारा ब्रेवरी वो सारा करेज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो रियल लाइफ में नहीं जी रहे हैं। वो जस्ट हर टाइम बस इमेजिनेशन ही कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने वॉटर मिल दिखा देन उनको लगा कि ये कोई सिटी है या फिर कोई कासल है यहाँ पे कोई प्रिंसेस है या फिर कोई नाइट जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं so, सो ये सारी चीज़ें उनकी जस्ट इमेजिनेशन है सो सो ना स्टूडेंट्स आई विल एंड माई क्लास योर होमवर्क फॉर टूडे इज टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन एट द बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे